ये मुझे मिल गई है पर्ची भाई, ये राशन की। और बस भाई बस उड़ जाओ यार, अल्लाह के बंदे 5 बजने वाले हैं यार। बुखार हो रहा है तेरे को तो बुखार हो रहा है। ऑर्डर वाडर दे दिए, पर्ची दे दी, चीनी आ गई, पत्ती आ गई, बाकी और सामान भाई निकाल रहा है। आगे देख प्राई चीज है, तू उस पर हमला मार रहा है यार। मैं तो कहना मजबूरी है, इसको उठा के यहाँ से ले जा यार, लेके जाऊंगा। अगले बोलेंगे कि इसने चोरी करके लाया, मेरे को जेल भेज देगा। उठा के ले जा उधर, आगे ले जा, खोल दे। खोलने के चक्कर में जेल भेज रहे हैं। अबे नहीं यार, तू ले जा, तू अपना भाई, तुझे जेल नहीं भेजेंगे हम लोग। उठा के ले जा, उठा के मैं कहां लेके जाऊंगा उसको। यार अदर व्लॉग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, एक न्यू व्लॉग के साथ हाजिर हैं। तो आज हमें घर का काम मिला है, घर का राशन लाना है, सामान वामान लाना। ये देखें, ये मुझे मिल गए पैसे, और ये मिल गई है मुझे पर्ची, ये मुझे मिल गई है पर्ची भाई, ये राशन की। और बस भाई बस उड़ जाओ यार, अल्लाह के बंदे 5 बजने वाले हैं यार। धूप देखो, टाइम देखो, उठ जाओ भाई, उठ जाओ, अल्लाह के बंदे उठ जाओ। नेस्ती बनाई हुई है, ये उठ रही है यार आज। एक तो मैं राशन का घर का काम मिल गया, राशन वाशन लान, और इसके उठ रहे नहीं, इसको उठा उठा के मैं ठग गया। चल भाई उठ जा, वासेद वासेद, अरे बुखार हो रहा है तेरे को तो बुखार हो रहा है, तेरे को तो बुखार हो रहा है। उठ जा भाई, तेरे को तो बुखार हो रहा है। ओए पैसों की बारिश हो गई, उठ जा, तेरे को तो बुखार हो रहा है, उठ जा, दवाई लें। चल ये लाना है इन सब का, देखो पलो क्या क्या है आपके लिए आया काम। ये है इनाम आपका, आटा चीनी दाल के ये सब कुछ लाना है। अभी आपने हमारे साथ जाना है, दूध दाल साबुत मसूर। चलो फिर चलते हैं जी साथ, चलो उठो उठो उठा दो। चलो उठो, पैसे उठाओ, गिनती को मारो, घर से बाहर निकले ना। इस फरमान ने क्या नाम है तेरा, हुए रहमान ने बेचारे को मार दी। देखो उसकी आंख में आंख उसकी फट गई, फोल दी, बाहर निकल गई, रो रहे बेचारे, इतना भला हो के रो रहे यार। शर्म करो यार, कोई हद होती है किसी को मारने की। राशन के लिए घर से निकल के राशन लेने जा रहे हैं रास्ते में। ये देखो हमारे मोहल्ले के दो बंदे जियो जियो सारे आजकल जो जियो के नाम से बड़े मशहूर है, जियो जियो। ये आगे स्टॉप हुए मशरक मशरक डिम्पल, ये बाबा मशरक वाला बहुत तेज़ी से जा रहा है। चलते हैं इंसाफी टोर पे, वहाँ राशन वाशन लेंगे, फिर देखते हैं आगे की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हम लोग जैसे जाए थे तो हमारे बहुत ही प्यारे उमेर भाई हमारी शांत भाई, उमेर भाई इस उमेर भाई ने बहुत मेहनत की और पुलिस में भर्ती होगी, माशाल्लाह आपको सलूट पेश करते हैं। इंशाल्लाह जरूर होंगे यार, उम्मीद भर्ती कब आ रही है, भर्ती कब आ रही है? दूसरे महीने में। तो यार दूसरे महीने भर्ती आ रही है, सब अप्लाई करो और सब कोशिश करो कि भर्ती हो जाओ, ताकि कराची में पूरी पूरी नफरी पुलिस की हो। नहीं आगे इंसाफ स्टोर, अब यहाँ से लेंगे राशन। स्टोर पर आगे पहुँच के भी पर्ची देंगे स्टोर वाले को, हमारे लिए राशन निकालेगा भाई। ये राशन निकालना हमारे लिए भी आएगा, राशन निकालेगा तो उधर खड़ा हुआ था, हमारा जो है सामान निकल रहा है अभी। ऑर्डर वाडर दे दिए, पर्ची दे दी, चीनी आ गई, पत्ती आ गई, बाकी और सामान भाई निकाल रहा है, हमारा सामान भाई और निकाल रहे हैं। बात है भाई, आपको क्या लग रहा है यहाँ खड़े होकर, क्या सोच रहे हो? ओ बताओ तो सिंह, क्या सोच रहे हो यार? इसकी तबीयत जो है ना आज सही नहीं, बीमार है बेचारा, तबीयत सही ना, साज है, सोचा चुप चुप बैठा हुआ है। क्या बोल रहा है तू? बात करते हैं, केचप लेने से इसराइल का बात हो ही जाएगा, भाई कार्ड दो कार्ड, क्या भाई कार्ड है, नुकसान पाकिस्तान को, इसराइल को थोड़ी हो रहा है। देखें चीज पाकिस्तान में बन रही है, जो पाकिस्तान का फायदा सोच रहे हैं, पाकिस्तान में बन रही है, सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। ये हमारा राशन निकल गया पैक हो, क्या बोला? उधर तो टैक्स जा रहा है, ये राशन निकल गया पैक हो गया हमारा, देखो राशन। लोग बोलते हैं कि इसराइल को फायदा हो रहा है, उसको कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा फायदा पाकिस्तान के, फायदा कंपनी के मालिक है, कंपनी का मालिक है। एक केचप लेने से जो है अगले को नुकसान हो जाएगा, तुमने ये नहीं देखा उसका जेम तुमने लिए, उसकी तुमने वो लिए पत्ती ली है, उस पर तुमने नहीं, एक केचप पे तुम रो रहे हो ना। यार मैं पूछ रहा हूँ यार, अभी 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 पटी है, अभी पूछ रहा हूँ। याद आ गया था मुझे अभी यार, अपना राशन ले लिया, देखें राशन ये रहा, ये राशन ये ले लिया, अभी जा रहे हैं घर की तरफ। ये पकड़ चल चल लेके जाओ, पड़ जा ऊपर लेके जाओ, शाबाश। चल बहुत बदनी है, बहुत बदनी है यार।
वो देखो बकरे के कपड़े सारे गंदे हो गए बेचारे के। पूछे कह रहे हैं जाओ भी तेल भी लेकर आओ, जा रहे हैं तेल लेने। तेल में लोग आए तेल लेने, 5 लो तेल और 3 लोग तेल का रेट क्या रेट है? 420 भाई, तेरे 420 रुपये का अच्छा रेट और तेल भी अच्छे चेक करे माशाल्लाह, बड़ा VIP तेल है माशाल्लाह। जिस भाई को चाहिए आज स्टाफ पे सामने माशाल्लाह बिरयानी वाले के बिल्कुल सामने। कल के क्या कर रहे इधर, क्या कर रहे इधर? हाँ तू क्या कर रहे? तू क्या कर रहा है? किसने लाया? तू क्या कर रहा है? लाके तू क्या खोल रहे? हम लोग को अल्लाह रोजी दे दे, हमारे पास कोई चीज ही नहीं है खोलने के लिए, क्या खोलेंगे? नहीं ये सामान तो नहीं बिकता, ये तो पाबंदी इसके सामान पे, पाबंदी है नहीं बिकता है, पर हम लोग छोटे नट मट खुल जाते हैं तो चलो बिक जाते हैं, बड़ा सामान हम लोग नहीं बेचते। ये लाया किसने ये नहीं पता है? थोड़ा जानते हैं हम तो, इधर से जा रहे थे भाई के सामने, ये भी कला था चीज़ था। हाँ वो सामान वामान था इसके साथ, वो सब निकाल दिए लोगों ने, ये किसी ने लाया रात को भाई जान। हाँ ये 2 दिन से इधर खड़ा हुआ, ये किसका? ये भी भाई के दूं, ये कौन सा गाड़ी? 125 है, तेरे को नाम भी पता 125। तो यार तू नशा छोड़ता क्यों नहीं है? देख अल्लाह करे तू नशा छोड़ दे, देख जैसे काम पे आ गया, देख प्राइस चीज है तू उस पर हमला मार रहा है यार। मैं तो कहना मजबूरी है, इसको उठा के यहाँ से ले जा यार, लेके जाऊंगा अगले बोलेंगे जिसने चोरी करके लाया मेरे को जेल भेजेगा, उठा के ले जा उधर, आगे ले जा खोल दे, खोलने के चक्कर में जेल भेज रहे हैं। अबे नहीं यार तू ले जा, तू अपना भाई, तुझे जेल नहीं भेजेंगे हम लोग, उठा के ले जा। उठा के मैं कहाँ लेके जाऊंगा? ये बिकता नहीं है पूरा, कबाड़ी लोग भी इसको देख के डर जाते, डर जाते तो उनका भी सांग सुन जाते हैं भी देखते है ना, वो लोग बोलते भाई ये हमारे तो लाभ करे। अच्छा तो नहीं, अगर ये जितने चेचिस पले में पुलिस को चेंज कर क्या करे, जितने चेचिस पले में पूरे कराची में बहुत चेचिस मैंने देखे है, गिनती से मैंने अभी गिने कम से कम 5-6 पड़े हुए। तो नहीं इनका क्या, पुलिस को क्या करना चाहिए? वो क्या करे, उठाए क्या गिराए? पुलिस वालों को चाहिए कि इसको उठाए और इस पे सही पाबंदी लगाए, इधर चेचिस नजर आए उस इलाके का सही ऑपरेशन करेगी। उधर ये आया कैसे, कहाँ से आया? जैसे नशाई भी हुए ना उसके भी रिमांड ले रहे हैं। ये कहाँ से आया, क्यों आया? सही बात है, हर गली में कैमरे लगने चाहिए। सबसे पहले मैं अपने पे उंगली पकड़ता हूँ, मैं भी नशाई हूँ, मुझे कोई ऐसी चीज नहीं करा, मैं भी आसरा नहीं करता। अच्छा लेकिन सही सलामत गाड़ी अभी कितने कामों का दिल भी नहीं करते, ये किसी का यार रोजी हम खराब करे, ये बात अभी ये टूटा हुआ पड़ा था कसम से, हम ये प्लास्टिक निकालने का कर रहे थे। चल सही है, निकाल निकाल, मजे कर, वीडियो मारिए मेरे यूट्यूब पे, देंगे टेंशन नहीं ले। सही है, तो आपने देखा यार, ये भाई कह रहा है मेरी मजबूरी है मैं क्या करूं। सही है बोलते मेरी मजबूरी है मैं क्या करूं, नहीं निकालूंगा तो मैं क्या करूं। तो भाई अभी क्या करें, पोटरी बेचारे वो यार, अभी हम लोग जैसे होटल पे अकील को हम लोग पकड़े खाने के लिए, अभी सब लोग मार रहे मुफ्ता, तो ये आज काफी देर बाद हमारे हाथ लगे समझ आइए। अभी हम लोग असल में आज राशन लिए, राशन से ये ड्रामा था कि ये लेके आओ वो लेके आओ, लेके आकर बोलते ये वापसी कराओ ये कराओ, मेरी तबीयत भी दिल को ठीक नहीं थे, ये शैम्पू है यार, घर का राशन लाना बहुत मुश्किल है, पहले बोला ये लाओ ये लाओ ये लाओ, ऐसे नहीं ऐसे करो, 3 सेकंड मैंने मारे, अभी फिर क्या करूँ, फिर मैंने राशन वाशन लाया, मज़ा आया, बेहतरीन आपको दिखाया राशन लाना चाहिए घर का, तो अभी आज हमारे जो है ना मामू ने जो है ना रोटी की दावत कर दी, कबाब एक कबाब के कबाब रोटी पराठे चटनी, तो हम लोग आगे पहुंच गए अभी घर, हम लोग घर आगे पहुंचे, बस आपको पता है कि जैसे कि वसील भाई ने आज सारा दिन ब्लॉगिंग की है, ये तो मुझे पता नहीं कि कैसा किया, बस अल्लाह ही हाफिज़ है। अभी मैं तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं थी, अभी मैं बाहर निकला, बस भूख वगैरह लगी थी, मैं गोली वगैरह लेने के बाद रास्ते में वसील भाई मिल के बोलते आओ यार कबाब खाओ, तो चलो कबाब खा लेते, मसला नहीं है, कबाब वगैरह भी खाए वसील भाई के साथ, बस आ गए अभी घर आके बैठे, तबीयत आज कुछ नासाज है, बड़ी ख़राब है तबीयत, उसमें मौसम बदली हुए मौसम बदली हुए, तो हाल बेहाल है। तो हम लोग इसी के साथ करते हैं ब्लॉग एंड, हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में, ओके अल्लाह हाफिज़।